छुप छुप के क्या देख रहा था? कुछ नहीं देख रहे थे। सुना, एक बार निकलिए घर से बाहर। अगर आप ट्राई करेंगे कि कोई आपका दरवाजा खटखटाएगा और कहेगा आइए बाहर, लक आपका वेट कर रहा है, कोइंसिडेंसेस आपका वेट कर रहा है, नो, दे आर नॉट गोइंग टू कम एट योर होम एट योर डोर। सो आप बाहर निकलिए। जब आप बाहर निकलते हैं तो एक कॉन्फिडेंस का सिलसिला जरूर शुरू होता है। हाय, माय नेम इज माना सिंह, आई एम एन एक्टर और आज मैं यहाँ इंटरव्यू में हूँ जॉइन फिल्म्स, थैंक्स टू जॉइन फिल्म्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मिंग फंडे, joinfilms.com। मैं हूँ आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। हमारे सपने बहुत बड़े होते हैं और उसके आगे हमें हमेशा छोटे छोटे डाउट आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इन क्वेश्चनों से पार पाई है, इन सवालों के आगे गए हैं और आज जवाब के रूप में उनके हाथों में बहुत सारी सफलता है। ऐसे एक कलाकार मेरे साथ हैं, माना सिंह परवार, वेलकम टू जॉइन फिल्म। माना, थैंक यू सर। ओके माना, ये जो सफर है एक्टिंग का, ये शुरुआत करते टाइम कितने डाउट कितने डर थे मन में? हर किसी के मन में होते हैं और मेरे भी मन में थे। खासकर मैं यूपी के एक बहुत ही पिछड़े इलाके से हूँ, तो वहाँ लोगों को अंधेरे में जीने की आदत है, वो सपने नहीं देखते। वहाँ उनको लोग, आसपास के लोग मना करते हैं अगर आप ऐसा कुछ देखते हो, तो मेरे केस में भी ऐसा ही था। लेकिन एक अंदर कुछ था जो एक हाँ था, जो यस था, जो बाकी मैट्रिक से बाहर जाने के लिए मुझे फोर्स कर रहा था। तो माँ जो होती है ना, वो थैंक्स टू माई मॉम कि उन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया और उनके सपोर्ट के बाद मैं यहाँ तक पहुँचा और अपनी जर्नी कंटिन्यू करके आज भी उसको जारी रखा। तो बहुत जल्दी आपको 6 साल पूरे होने वाले हैं मुंबई शहर में। जी हाँ, मैं 16 जून को मुंबई आया था। इट्स अ ब्रीदलेस कंसिस्टेंसी और इसी 16 जून को मुझे 6 साल यहाँ पूरे हो गए। और इन 6 साल में क्या क्या अचीवमेंट्स हो गए? क्योंकि ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि जो लोग उस समय आप पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे, जो डाउट कर रहे थे, उनको पता होना चाहिए कि जब एक कदम हम आगे निकाल देते हैं अपनी दहलीज से तो हमें क्या क्या मिलता है। दैट्स रियली ग्रेट क्वेश्चन कि मेरे साथ ऐसा हुआ, जब मैंने ये शुरुआत की तो मेरे रिलेटिव्स जो आए और उन्होंने देखा कि हम गाँव से हैं और हम ऐसे, मैं ऐसे सपने देख रहा हूँ, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अरे वहाँ की लैंग्वेज है थोड़ी सी, तो उन्होंने कहा अरे तू पागल है, अबे तेरा खेत बिक जाए वो, तू भाई गांव में रहे तुझे मुंबई में लोग बेच लेंगे। सो माय मॉम लुक्ड एट मी एंड शी वाज लाइक, माना आर यू स्टिल रेडी कि ये सब होने के बाद तुम अभी भी तैयार हो कि अपना सपने को तुम फॉलो करोगे? सो जब वो चले गए और मैं यहाँ मुंबई आया, जब मैंने काम किया और एक्चुअली फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हम लोग उनसे जुड़े हुए हैं, तो जब भी मैंने अपना काम डाला तो उसमें मैंने पोस्ट किया तो उन्होंने मुझे देखा। उसके बाद अभी वही सेम इंसान जिन्होंने मुझे कहा ही इज़ माई बिगेस्ट फैन। अब वो सब सेल्फी खिंचाते होंगे। सेल्फी एग्जैक्टली गांव में तब से गया नहीं, जाऊंगा तो वो डेफिनेटली खिंचाएंगे। डेफिनेटली। तो यही होता है कलाकार का सच्चा जवाब कि आप अपने बातों से ना बोलें, अपने शब्दों से ना बोलें, बल्कि अपने काम के द्वारा उनको जवाब दें। तो इसमें कौन कौन से शोज कर लिया आपने? मैंने ये डिस्कवरी जीत पे बाबा रामदेव की डॉक्यूमेंट्री आई थी, तो उनमें उनके जो बहुत सारे शिष्य थे उसमें जो मेन था लाल जी, मैंने वो करेक्टर किया। उसके बाद जग जननी माँ वैष्णो स्टार भारत पे चल रहा है, उसमें विभूतिनाथ का ट्रैक था, मैंने वो किया। डॉक्यूमेंट्री सीरीज आई वो की और क्राइम ब्लड, क्राइम पेट्रोल, आई डोंट रिमेम्बर की कितना किया मैंने। ओके, तो ये जब कंसिस्टेंसी होती है बहुत कम लोग अचीव कर पाते हैं, मतलब एक काम मिलता है फिर रुक जाता है, फिर एक काम मिलता है फिर रुक जाता है, ये कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन हुई? कंसिस्टेंसी एक्चुअली सर, आपके पास कोई ऐसी ड्राइव होनी चाहिए जिस ड्राइव को लेके आप चलते रहो। अगर ड्राइव आपके पास नहीं है, अगर आपके पास एक अकाउंटेबिलिटी नहीं है अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपनी फैमिली के लिए, आप कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं रख सकते। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अगर फोकस्ड हैं, आपके पास बी ऑप्शन नहीं है, अगर हैं तो मतलब उनको कम करने की कोशिश कीजिए। ए ऑप्शन पे अगर आप चलते रहते हैं यू डोंट हैव अदर वेज टू गो। Okay. So, ये consistency को आप maintain तो आपने बोला consistency के लिए focus होना बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसे महासागर में जहाँ पे कि senior strugglers बहुत सारे हैं और उनके अपने अपने मापदंड हैं, उनके अपने अपने फार्मूलाज हैं कि ऐसे काम मिलता है वैसे काम मिलता है, मैं 2 साल से रह रहा हूँ, मैं 3 साल से रह रहा हूँ, मुझे ज्यादा पता है, तो उनसे कैसे बचते बचाते निकल गए? एक्चुअली द थिंग इज कि हम एक ऐसी मैट्रिक्स में रह रहे हैं जिसके सबके अपने रूल्स हैं, सबके अपने रूल्स हैं और उनका अपना परसेप्शन है, और यहाँ पर कोई भी एक ऐसा रूल, ऐसी चीज़ फिक्स नहीं है कि अगर किसी अल्टीमेट इंसान ने कह दिया जो रियली ग्रेट है और वो सच हो। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ लाइज, तो आपको यहाँ पर देखना है सच कुछ भी नहीं है, ना कुछ गलत है, ना कुछ सही है, और ना राइट है ना लेफ्ट है, देयर इज नो एनीथिंग। सो आपके ऊपर है, अगर आप कोई डिसीजन लेते हो और आप उसको स्टिक रहते हो उसमें और आप उसको गलत प्रूव कर देते हो या सही प्रूव कर देते हो, इट्स ऑन यू। देखिए, एवरी वन इज़ अ लायर
लाइक अभी उन्हें चला है, आप किसको क्या प्रूव करते हो, खुद को लायक प्रूव करते हो या सामने वाले को लायक प्रूव करते हो? इट्स ऑन यू। जब पहली बार मम्मी ने आपको टीवी पे देखा तो क्या रिएक्शन था, क्या मूवमेंट? वो कह रही थी कि मुझे तुम पर भरोसा था और पता नहीं शी हैड ब्लाइंड फेथ इन मी। और हर किसी को माँ को अपने बच्चे पर ब्लाइंड फेथ होता है और ये बच्चों के ऊपर होता है कि अपनी माँ को गलत प्रूफ कर दें या सही प्रूफ कर दें। शी वॉज रियली हैप्पी। और उसके बाद बाकी जितने भी थे रिलेटिव्स वो भी मुझे बता रहे थे कि वो बहुत खुश है। अब गॉड नोज कि वो सच में खुश है कि नहीं, लेकिन वहाँ पे गांव में तो कम से कम सेलिब्रिटी स्टेटस हो गया गांव का। हाँ, ऑफ कोर्स हो गया है। और हम यहाँ पर क्राइम रेट क्राइम पेट्रोल देखते हैं और उनको एक्टर्स को देखते हैं तो हम इसको रियली बहुत हल्के में लेते हैं। अच्छे करेक्टर्स करते हैं उसको भी हल्के में लेते हैं, बट गाँव में आप टी वी पर दिख जाओ और ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो वहाँ अभी तक तो मैं गया नहीं, लेकिन अगर मैं जाऊँगा तो उनके लिए ये सेलिब्रिटी से कम नहीं। तो आप किससे पर्सनैलिटी से इंस्पायर होकर ये सब सोचा था आपने कि मुझे ऐसा बनना है? एक्चुअली मेरी पर्सनैलिटी मेरे बिग ब्रदर हैं, वो मुंबई आए और एक्टर बनने के लिए। तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं जब आप बड़े होते हैं, एक्चुअली सपोर्ट कम मिल पाता है तो उनको नहीं मिल पाया और वो एक्टिंग नहीं कर पाए, वो वापस चले गए। तो उनके बाद मेरे अंदर भी कीड़ा था तो मैंने कहा कि मैं करूँगा और वो मुझे सपोर्ट करते हैं और उनके उनसे इंस्पायर होने के बाद मैं आज यहाँ आया और मैं कर रहा हूँ कंटिन्यू। और अब आपसे कितने लोग इंस्पायर हुए? मुझसे गांव में आसपास के लोग जी, मैं भी आऊँगा भैया, बताओ मुझे भी जरा। बहुत सारे लोग हैं, उनमें जो सबसे बड़ा मेरा फ़ैन है वो मेरी बड़ी सिस्टर है जो इस समय पे पढ़ाई कर रही है, सरकारी टीचर, और IAS की तैयारी कर रही हैं वो साथ में, इसकी दो तैयारियाँ कर रही हैं। वो कहती है कि माना तुमको देख के मैं सबसे ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ, तो वो इंस्पायर है मेरे से। मेरा जो बड़ा भाई है वो भी इंस्पायर है, और बाकी रिलेटिव्स हैं जो अब सच में पहले फोकस नहीं थे बट मुझे देखने के बाद वो फोकस्ड हो गए कि यार जो है ना कि अब मुझे दिख रहा है कि अगर आप मेहनत करते हो, और माना का दिख रहा है वैसे करते करते एक दिन मेहनत जो है सामने आती है। Okay, माना लास्ट में ये बोलूँगा कि जो भी एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, कलाकार जी, किसी भी फील्ड में हो, उनके भी सपने ऐसे दबे रह जाते हैं अपने गाँव में अपने घरों के अंदर, उनसे क्या कहना चाहोगे, उनके पेरेंट्स से क्या कहना चाहोगे? सो मैं यही कहना चाहूँगा उन लोगों से कि आप एक बार निकलिए घर से बाहर। अगर आप ट्राई करेंगे कि कोई आपका दरवाज़ा खटखटाएगा और कहेगा आइए बाहर, लक आपका वेट कर रहा है, कोइंसिडेंसेस आपका वेट कर रहे हैं, नो, दे आर नॉट गोइंग टू कम एट योर होम एट योर डोर। सो आप बाहर निकलिए। जब आप बाहर निकलते हैं तो एक कॉन्फिडेंस का सिलसिला ज़रूर शुरू होता है। मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी काउंटलेस कॉन्सिस्टेंस जो ये कोइंसिडेंसेस हैं मेरी लाइफ में और कितने सारे लक के पॉइंट हैं जो डॉट बाय डॉट मुझे उस समय तो समझ नहीं आया, बट आज मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं पीछे जब देखता हूँ तो एक एक डॉट कोइंसिडेंसेस का और लक का कनेक्ट करके मुझे यहाँ तक लाता है। एंड आई बिलीव इन गॉड, इन लक एंड इन दीज कोइंसिडेंसेस कि यही मुझे आगे लेके जाएंगे। 6 साल हो गए हैं, 6 और हो जाएँ, उसके बाद 6 और हो जाएँ, ये कोइंसिडेंसेस का सिलसिला चलता रहेगा क्योंकि मैं घर से बाहर निकला हूँ। आप घर से बाहर निकलिए, डोंट बिलीव इन योर मॉम इफ शी इज सेइंग कि आप कुछ नहीं कर सकते, डोंट बिलीव इन योर डैड, डोंट बिलीव इन योर टीचर, वो कहते हैं अगर आप कुछ नहीं कर सकते। घर से बाहर निकलिए, दुनिया को खुद एक्सपीरियंस कीजिए। सबके अपने अपने परसेप्शन है कि आप ये कर सकते हैं ये नहीं कर सकते हैं, कोई कुछ डिफाइन नहीं करता है, डिफाइन आप करते हो कि आप आगे बढ़ के किसको क्या प्रूव कर देते हैं। थैंक यू मानव, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। तो ये थे माना सिंह परमार, बहुत अच्छी अच्छी बातें वीडियो से निकल कर आई। हमेशा की तरह कंक्लूड करता हूँ, पहले तो बात ये है कि माना ने सबसे पहले अपनी मन की बात माना तब यहाँ तक पहुँचा और आज जमाना उनको जानता है। और जरूरी होता है कि आप पे कोई बिलीव ना करे, लेकिन आप खुद पर कितना बिलीव करते हैं ये सबसे ज्यादा जरूरी है। कंसिस्टेंसी रखनी है तो फोकस रखना होगा, फोकस रखेंगे तो आपके रास्ते खुद तय होंगे, आप दूसरों के रास्ते पे चल के कभी भी सफलता को नहीं पा सकते, ऐसा उन्होंने कहा। दूसरी बात है कि आपको एक डिसीजन तो लेना पड़ेगा, घर तो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बाहर जब तक नहीं निकलेंगे लक घर में नहीं आएगा, ये कोई बात नहीं हो सकती, लक तक आपको पहुंचना पड़ेगा। और लक की सबसे बड़ी बात होती है कि आपकी तैयारी जितनी होती है लक उतना ही सपोर्ट करता है। आज उनकी तैयारी थी, लक ने सपोर्ट कर दिया। आपने इस वीडियो से क्या सीखा, क्या समझा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा वीडियो तो सबके साथ शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इंस्पायर हो सके और गाँव में, कोनों में, शहरों में, कस्बों में जितने भी कलाकार हैं वो इस इंडस्ट्री में सफलतापूर्वक काम कर सके। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, फिल्म सेलिब्रिटी और जॉइंट फिल्म्स मेंटर्स की एक्टर मास्टर क्लासेस देखने के लिए डाउनलोड कीजिए जॉइंट फिल्म्स ऐप।